तो आपको इस वेबसाइट पर आना है, foursquare.fastsite.gov.in। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। इसके बाद इसके फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। देन आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, ट्रेड डिटेल। इसके बाद नीचे आना है और फूड वेंडिंग एजेंसीज पे क्लिक करना है। अगर आपकी टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है या आपके पास 12 फूड वेंडिंग मशीन्स हैं एक सिंगल सेम स्टेट में, तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और बेसिक लाइसेंस के लिए प्रोसीड करना है। अगर आपके पास 12 मशीन से ज़्यादा है और 100 मशीन तक है, तो आपको सेकेंड ऑप्शन क्लिक करना है और स्टेट लाइसेंस के लिए प्रोसीड करना है। अगर आपके पास 100 से भी ज़्यादा फूड वेंडिंग मशीन है या आप दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में डील करते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेंट्रल लाइसेंस के लिए प्रोसीड करना है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन ये है, अप टू 100 वेंडिंग मशीन्स इन वन स्टेट। तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और आगे प्रोसीड करता हूँ। इसके बाद ये दिखाएगा कि हम स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको ये फॉर्म बी पर ले आएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको डिपार्टमेंट ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी होती है प्रमाइसिस डिटेल। इसके अंदर आपको आपकी कंपनी का इंफॉर्मेशन फिल करना होता है, जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, पैन नंबर, सिन नंबर। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, पैन नंबर है, सिन नंबर है, तो वो इन्फॉर्मेशन इसमें जरूर फिल करिएगा। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको ये इंडिया का मैप शो कर देगा। यहाँ पर आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ये आपको सेकंड ऑप्शन पे ले आएगा, जहां पर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना होता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको आपका स्टेट जो आपने आगे सेलेक्ट किया होगा और उसका एड्रेस जहां पर आपने अपनी मशीन्स लगाई होंगी, लाइक अगर आपने एक मशीन करोल बाग में लगाई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी, दूसरी आपने अगर कनॉट प्लेस में लगाई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट आएगी। इस तरीके से आप मल्टीपल वेंडिंग मशीन की इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। फूड वेंडिंग मशीन की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको साइनअप के लिए एक फॉर्म शो कर देगा। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेंट का इन्फॉर्मेशन फिल करना है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, इसके बाद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। अगर ये आपके पास है तो आप उसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है लॉगिन क्रेडेंशियल। लॉगिन क्रेडेंशियल में लॉगिन आईडी सिस्टम जनरेटेड होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है। पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए ये कंडीशंस जरूर पढ़ लीजिएगा, वो इसको फुलफिल करना जरूरी है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी दी गई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएंगे, वो ओटीपी यहाँ पे डालना जरूरी है। जैसे ही आप दोनों ओटीपी डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक करना है। ये एक पॉपअप शो करेगा आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। थर्ड स्टेप आएगा आपका कम्युनिकेशन डिटेल का, जिसमें आपसे आपका रजिस्टर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अगर वो सेम है जैसा आपने एप्लीकेशन में फिल करा था, तो वो अपने आप पिक कर लेगा। अगर आपको डिफरेंट कोई एड्रेस डालना है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिटेबल होता है। इसके बाद ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगता है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिपार्टमेंट इसलिए मांगता है कि कल को उनको फर्दर कम्युनिकेशन करना होगा आपके साथ, तो वो किस एड्रेस पे कम्युनिकेट कर सके। अगर वो सेम है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर वो डिफरेंट है तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। इसके बाद ये आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो साइन अप करते वक्त जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली होगी यहाँ पर वो प्रीफिल्ड आ जाएगी। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद ये बोलता है पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑपरेशन, उस पर्सन का इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करना होगा जो आपके बिजनेस का इंचार्ज होगा ऑपरेशंस का। इसके बाद आपको फोटो आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है, ये आपको आगे अपलोड भी करना होगा। इसके बाद ये बोलता है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद कंडीशन ऑफ लाइसेंस, कि अगर कोई आपका डिफरेंट पर्सन है जो गवर्नमेंट के साथ उसकी कंडीशन को कंप्लाइंग करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें डालनी होती है। अगर आपको पर्सन इंचार्ज जो आपने मेंशन किया है उसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली येस पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद ये बोलता है अदर लाइसेंस, अगर इसमें से कोई भी लाइसेंस आपके पास है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर सकते हैं।
अगर हेड ऑफिस और रजिस्टर ऑफिस के लिए आपने कोई लाइसेंस ले रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी है। इसके बाद ये फूड सेफ्टी मित्रा की इन्फॉर्मेशन मांगता है। अगर आप खुद फूड सेफ्टी मित्रा हैं तो अपना फॉर्म नंबर्स में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई जानकार है तो उसका डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट आता है पीरियड फॉर विच लाइसेंस रिक्वायर्ड। इधर आपको नंबर ऑफ पीरियड सेलेक्ट करना है, कितने साल के लिए आपको लाइसेंस अप्लाई करना है। ये मिनिमम 1 साल के लिए होता है, मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, जितने साल आप सेलेक्ट करेंगे उतनी ही गवर्नमेंट फीस आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप 1 साल के लिए जाएंगे तो उसकी फीस 2,000 रुपये होगी, अगर आप 5 साल के लिए जाएंगे तो उसकी फीस 10,000 रुपये होगी। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको फोर्थ स्टेप पे ले आएगा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट विद फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल विद नॉमिनेशन ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। तो अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है तो उसका एक फॉर्म है, वो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी कंपनी है या पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टर पार्टनर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। साथ ही आपको एक अथॉरिटी लेटर भी लगाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट। तो अगर आपको अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट भी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, ये मांगता है फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो जो भी एड्रेस प्रूफ एप्लीकेंट का आपके पास हो वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड। थर्ड में ये बोलता है प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रमाइसिस। तो जिस प्रमाइसिस के लिए आपको लाइसेंस लेना है उस लाइसेंस का कोई भी प्रूफ, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, या अगर वो ओन्ड है तो ओनरशिप प्रूफ या समथिंग एल्स, जो भी प्रूफ आपके पास हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये बोलता है पार्टनरशिप डीड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्टिफिकेट। अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है तो उसका एक ड्राफ्ट है, एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ अपलोड कर सकते हैं। बट अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो अपनी पार्टनरशिप डीड अपलोड करिएगा। अगर कंपनी है तो उसका एमओए, एओए, सीओआई अपलोड कर दीजिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, फॉर्म 9। अगर आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है तो ये आपके लिए नहीं है, इसको नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के केस में आपको ये लगाना होगा। इसका ड्राफ्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको सिलेक्ट करना है एफएसएमएस प्लान, ये मैंडेटरी होता है, इसको आप सिलेक्ट करिएगा। इसका ड्राफ्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड करिए, अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, ये कुछ लाइसेंस को लेने से पहले कंडीशंस दी गई है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसको चेक करके आगे प्रोसीड कर दीजिएगा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये आपको फाइनल स्टेज पे ले आएगा, यहाँ पर आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने से पहले प्रीव्यू एप्लीकेशन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप देख सकें आपने अपनी एप्लीकेशन में क्या फिल करा हुआ है। अगर सब कुछ सही है तो दिए गए ऑप्शंस में से किसी को भी सिलेक्ट करके आप आगे पेमेंट करके प्रोसीड कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन रिसीट मिलेगी, इसको डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिएगा, ये आपको फ्यूचर में काम आएगी इस एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए। साथ ही ये पेमेंट करने की एक्नॉलेजमेंट भी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।